नमस्कार दोस्तों, आप सभी को टेक्नोजन इन्फोकॉम के एक नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे एयरटेल के वैलिडिटी के बारे में। एयरटेल का जो भी प्लान अवेलेबल है उनके वैलिडिटी के बारे में, उनमें एक बड़ी बदलाव हुआ है। अगर आप एक एयरटेल यूजर है तो आप इस वीडियो को पूरा देखना। वीडियो इन्फॉर्मेटिव हुआ, आपको पसंद आई तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप एंड फेसबुक के ऊपर। नए हो चैनल के ऊपर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों जैसे मैंने यहीं पे बता रहा था, एयरटेल जो है अपने जो भी प्लान अवेलेबल है एयरटेल के ऊपर, उसमें बड़ी बदलाव किया है वैलिडिटी के मामलों पे। जी हाँ दोस्तों, पहले क्या होता था, पहले का सिनेरियो आपको थोड़ा बता देता हूँ। पहले आप जो भी प्लान रिचार्ज करते थे, उस प्लान को एक्सपायर होने के बाद आपको 14 डेज का एक ग्रेस पीरियड दिया जाता था। उस वक्त आपको बस इनकमिंग दिया जाता था जो कि 14 डेज का था। ओके, मान लीजिए आप 23 रुपीज़ का जो प्लान है वो रिचार्ज किए। अब 23 रुपीज़ में आपको क्या मिलता है मालूम है? बता दूँ, 23 रुपीज़ में बस आपको 28 दिन का वैलिडिटी मिलती है और कुछ भी नहीं मिलता है। तो अगर आप 23 रुपीज़ का रिचार्ज करते हैं तो आपको 28 दिन का वैलिडिटी मिलती है, सिम वैलिडिटी। उसके बाद 14 डेज का ग्रेस पीरियड मिलता था जहाँ पे आपको सिम मतलब जो इनकमिंग कॉल है वो रहता है। 14 डेज के बाद जो इनकमिंग कॉल है वो भी बंद हो जाता है। 28 दिन में आउटगोइंग कॉल बंद, मतलब आपको तो बैलेंस नहीं मिला, आप आउटगोइंग कॉल नहीं कर पाएंगे। लेकिन उसके बाद 14 डेज तक आपको इनकमिंग कॉल मिलती है जो कि टोटल आप काउंट करेंगे तो 28 + 14 मतलब 42 डेज आपको इनकमिंग कॉल मिलती थी। अभी उसमें बड़ी बदलाव किया गया है एयरटेल के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, एयरटेल का मानना है कि जब से वो मिनिमम 35 रुपीज़ या फिर मिनिमम 23 रुपीज़ का रिचार्ज लागू किया है, तब से उसका मुनाफा बढ़ गया है, प्रॉफिट बढ़ गया है। इसके चलते वो ना बोलूँ तो अच्छा ही है, तो वो अपना जो चेंजेस है टर्म एंड कंडीशन है वो चेंज कर दिया है। ये जो 14 डेज का ग्रेस पीरियड मिलता था वो अभी 7 डेज किया गया है। मुद्दे की बात यही है, इस वीडियो में बस इतना ही बताना था कि आपको जो 14 डेज का इनकमिंग कॉल मिलती थी वैलिडिटी खत्म होने के बाद, वो अभी 7 डेज किया गया है, मतलब 28 + 7 35 डेज में आपको सिम का इनकमिंग कॉल खत्म होने वाला है। लेकिन सिम का जो वैलिडिटी है वो कितना दिन रहना चाहिए? 90 डेज। वो ठीक है, 90 डेज आपको मिलेगी एक सिम का वैलिडिटी। अगर आप रिचार्ज ना करते 90 डेज के बाद आपको 15 डेज का ग्रेस पीरियड दिया जाएगा, टोटल 105 डेज। 105 डेज में एक सिम टोटल बंद हो जाएगा अगर आप एक रुपये भी रिचार्ज ना करें। एक रुपये नहीं, मिनिमम 23 रुपीज़ रिचार्ज ना करें तो आपको सिम फेंक देना पड़ेगा, वो नंबर किसी और को दे दिया जाएगा। तो बस यही बताना था। वीडियो पसंद आई, इन्फॉर्मेटिव हुआ तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। नए हो चैनल के ऊपर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए बी हेल्दी बी हैप्पी, टेक केयर, बाय बाय।